हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पवित्र धाम चित्रकूट विकसित होगा, दिल्ली की दूरी 5 घंटे में तय कर सकेंगे, डिफेंस कॉरिडोर से दुश्मन देशों के छक्के छूट जाएंगे। प्रक्रिया का हिस्सा होता है। आज जब हम चित्रकूट में हैं, ये भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास काल के उस महत्वपूर्ण पल का स्मरण हम सबको दिलाता है, जब भगवान राम लगभग 12 वर्षों तक चित्रकूट में रह करके उन्होंने यहां के नागरिकों को एक नया जीवन देने का कार्य किया था, आगे बढ़ने का एक अवसर दिया था। हजारों वर्षों की विरासत हमारे पास चित्रकूट के रूप में, इसके आसपास के तीर्थों के रूप में हमारे पास है। हमारा दायित्व बनता है इसको सजोए रखने का, इसको विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने का। इस कार्य को करेगा कौन? इसको करेगा आपके द्वारा चुना गया एक योग्य जनप्रतिनिधि। जब आप अच्छा विधायक चुनते हैं, अच्छा सांसद चुनते हैं, अच्छा प्रधान चुनते हैं, अच्छा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का सदस्य चुनते हैं, ये अच्छे लोग विकास की योजनाओं को लाते हैं और विकास की योजनाओं को लाने के बाद विकास की प्रक्रिया को जब तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं तो विकास की वो प्रक्रिया ही लोगों के जीवन में नई खुशहाली लेके आती है, देश और दुनिया को उसके साथ जोड़ने का कार्य करती है। और देश और दुनिया को चित्रकूट के अंदर ये अपार संभावनाएं हैं। हम तो यहां के एयरपोर्ट को भी चालू करने की तैयारी कर रहे हैं, यहां से सीधे दिल्ली की उड़ान भरेंगे। आपके सांसद दिल्ली में सत्र के लिए जब जाएंगे तो चित्रकूट में ही हवाई जहाज उतरेगा और चित्रकूट की पटरी से आधे घंटे के अंदर दिल्ली, यानी ज्यादा भी समय नहीं लगेगा। कोई कल्पना कर सकता है, दिल्ली में आधा पौन घंटे में यहां से चित्रकूट से आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। इससे बड़ा विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य और क्या हो सकता है? यहां का जो नौजवान आप प्लान करता है नौकरी और रोजगार के लिए, जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बनेगा तो यही उसको नौकरी मिलेगी, यही रोजगार मिलेगा, यही पर घर में रह करके अपने माँ बाप की भी सेवा कर पाएगा और देश की सेवा भी कर पाएगा। चित्रकूट में बननी तो चित्रकूट में बनेगा जो फाइटर प्लेन हमारा बनेगा, वह जाकर के देश की सीमाओं की रक्षा भी करेगा और उसमें चित्रकूट भी लिखा। 5 दिन बाद उपचुनाव का मतदान होना तय है। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए मुख्य दलों की जोर आजमाई शुरू है। वहीं सबसे चर्चित प्रत्याशी रंजना पांडे की जनसभा में चर्चित चेहरा प्रमोद तिवारी का आगमन और उपस्थित भीड़ से चुनाव के कयास तेज होने लगे हैं। अपना आशीर्वाद मुझे पे दान करें। हमेशा बाहर के ही प्रत्याशी अपने मनमानी खेल में आए हैं और इस बार हमारी कांग्रेस पार्टी ने अपने क्षेत्र का प्रत्याशी उतारा है, तो मैं आप सब लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग इस बात दिखा दीजिए कि नहीं नव मानिकपुर सीट है नव मानिकपुर वालों की, नहीं है बाहर वालों की। और सभी बहनों को और सभी भाइयों को बार बार अपील करना चाहती हूँ कि हाथ पंजे की हाथ के पंजे वाली बटन को दबा कर भारी मतों से विजय बनाए और भारी मतों से अपना मुझे आशीर्वाद दे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। भगवान राम की वनगमन मार्ग है बगल में, यही भगवान राम ने वनवास का बहुत बड़ा समय गुजारा है और वो हमारे आदर्श है। जो बात मैं कहूँ आपसे, जो मुद्दे कहूँ, उन्हें इंसाफ की तराजू के एक पल्ले पर रख दीजिए और दूसरे पल्ले पर जो विपक्ष वाले कहें वो रख दीजिएगा। मैं दावे से कहता हूं, जिस स्थल पर बैठे हैं, अगर उस स्थल का स्मरण करके आप न्याय की तराजू को उठाएंगे तो रंजना जी। प्रमोद तिवारी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रंजना पांडे को विजयी बनाकर क्षेत्र का विकास तय करें, जो जनहित के काम करने में अव्वल रहेंगी। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा,
माननीय मुख्यमंत्री जी को मानिक पुराए थे, उन्हें यह बताना चाहिए था कि 22 साल में उनकी सरकार ने मानिक रूप से 45 साल में ये बेरोजगारी सबसे शीर्ष पर चरम पर क्यों है। आज उन्होंने 25,000 होमगार्ड को क्यों निकाला, आज किसान विधेयक संघ की आत्महत्या क्यों कर रहा है। हाँ, अगर वो बात उनकी कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं उसका, तो अगर वो कांग्रेस को अपना विरोधी मानते हैं तो बात सही है, कांग्रेस ही उनकी विरोधी है। और हम दावे से कहते हैं भाजपा का विकल्प कांग्रेस बनेगी और इसीलिए वो डर कर कांग्रेस का नाम लेते हैं। एक बात कहूँ, डीएनए में हमारे भ्रष्टाचार है, डीएनए में अगर कहीं जन्म के साथ भ्रष्टाचार है तो वर्कर देख लेना 5 का 16 झांसी जिले के थाना सीपरी बाजार इलाके के एक मकान में अचानक लगी आग की चपेट में आकर मौके पर ही एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया है। घटना सोमवार देर रात को लहर की देवी मंदिर के पास की है। ये सीपरी बाजार के लहर गिर्द में श्री जगदीश उदनिया का परिवार यहाँ पर रहता था और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। रात में सो रहे थे लोग, तो संभवतः अभी तो उसकी जांच यहाँ पे सीएफओ मौजूद हैं की जा रही है। विधिवत रूप से कारणों का पता लगाया जा रहा है। इसमें 4 लोगों की डेथ हुई है, श्री जगदीश उदनिया और उनके परिवार के 3 अन्य सदस्यों की डेथ हुई है। यहाँ पर हम लोग इस समय मौके पर हैं और बाकी सब कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसको कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। अब ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, हमारे परव्यू में नहीं आता। बातें वहाँ पे हो रही थी कि कुछ पैसे का भी है वहाँ पे एंगल, कुछ और भी तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे बात क्लियर होगी। हम लोग तो केवल फायर का वो देख रहे थे कि फायर का एंगल क्या है, तो फायर में हमें कोई स्पष्ट काज ऑफ फायर नहीं एस्टेब्लिश हो रहा है। यूपी बांदा के तिनवारी कस्बे में NH-232 में घटे दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जब वह अपने मासूम भतीजे के इलाज में घटे पैसों का इंतजाम करने वापस घर जा रही थी, बाइक सवार महिला और उसके देवर को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला और उसके देवर ने मौके पर दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों छत विछत शवों को सड़क से उठवा इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया है।